हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ से बेस है। देख लेते हैं क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड ए ऑन बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर बीसी पे कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके जी, कि ए से परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर, ये रहा बीसी पे है डी, सच दैट इसमें क्या है कि डी बी है ना वो इक्वल है किसके, 3CD के, क्लियर है। और क्या है, और हमें ये चीज इसके अंदर प्रूव करनी है। करें स्टार्ट, करते हैं जी। देखिए गिवन की बात करते हैं, पहले हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर ए से क्या डी, ए से डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर है ना, कि बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है एडी, जी एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, गिवन है। और एक हमें गिवन है क्या, तो डी बी है वो इक्वल है 3 ऑफ सीडी के, ये चीज गिवन है। अब क्या है कि और हमें ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव की बात की जाए तो हमें प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है। करते हैं स्टार्ट, प्रूफ करते हैं अपना प्रूफ। देखिए क्या करेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बनने वाला एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, होगा ना, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात होगा। तो क्या करते हैं कि ट्रायंगल एक चलते हैं परपेंडिकुलर, तो अपनी राइट एंगल ट्रायंगल एक ये बन रही है और एक राइट ट्रायंगल ये बन रही है, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी किसके द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है अपनी क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, सीडी का स्क्वायर प्लस में जो अपना एडी है उसका स्क्वायर, ठीक है, नाम दे दिया जी नंबर 1। अब ऐसे ही किसमें, जो अदर ट्रायंगल अपनी एबीडी, एन ट्रायंगल है एबीडी किसके द्वारा कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है अपनी एबी का स्क्वायर है और नीचे क्या है एडी है, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड डीबी का स्क्वायर। अब हमें देखिए, हमें चाहिए AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये चीज चाहिए, ठीक है, तो क्या करते हैं इसको नाम दे दिया नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 1, 2 में से 1 को कर दिया सबट्रैक्ट, तो 2 ये रही, पहले ये लिख दिया AB का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे क्या AC का स्क्वायर, इधर वाले तो ये हो गए, अब इधर में पहले 2 वाले आएंगे AD का स्क्वायर प्लस के DB का स्क्वायर, अब इसमें से इसको करना है माइनस, माइनस तो माइनस करेंगे तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो CD का स्क्वायर और माइनस के AD का स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। अब देखिए यहां पे क्या AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर, अब यहां पे देखिए AD प्लस का AD स्क्वायर माइनस का, दोनों कट हो गए, यहां पे बचा DB का स्क्वायर माइनस के CD का स्क्वायर, बहुत बढ़िया जी। अब हमें गिवन क्या है कि DB का स्क्वायर जो इक्वल है 3CD के, गिवन है ना, तो मैं DB की जगह 3CD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यहां पे क्या है AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर, तो DB की जगह 3CD लिख सकते हैं, DB की जगह
थ्री सी डी लिख सकते हैं, का स्क्वेयर है माइनस के सी डी का स्क्वेयर। अब ए बी का स्क्वेयर माइनस के ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वेयर नाइन सी डी का स्क्वेयर माइनस के सी डी का स्क्वेयर। तो अब ए बी का स्क्वेयर माइनस के ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन सी डी का स्क्वेयर में से एक सी डी का स्क्वेयर जाएगा एट सी डी का स्क्वेयर नंबर थ्री। अब नंबर थ्री देखकर मैंने क्यों छोड़ा इसको कि देखो यहाँ पे सी डी का स्क्वेयर है ना एट सी डी का स्क्वेयर। अब मेरे को प्रूव करना है ए बी का स्क्वेयर टू ए बी का स्क्वेयर टू ए सी का स्क्वेयर। यहाँ पे ए बी का स्क्वेयर है ए सी का स्क्वेयर भी है और यहाँ पे सी डी है तो हमें क्या चाहिए बीच चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे नाउ अब क्या हमें चाहिए क्या बी सी। बी सी कैसे आएगा देखो क्या आएगा सी डी प्लस के डी बी है ना सी डी प्लस के डी बी हो जाएगा। अब हमें चाहिए बी सी की वैल्यू तो सी डी ऐसे ही और डी बी की जगह मैं थ्री ऑफ सी डी लिख सकता हूं लिख सकते हैं। इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया फोर सी डी। अब हमें चाहिए सिंपल सी डी की वैल्यू है ना तो सी डी की वैल्यू क्या जाएगी बी सी अपॉन फोर आ गई ना ठीक है। तो अब ये वैल्यू है जो वैल्यू आई सी डी की यहां रख देंगे क्या पुट वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री के अंदर पुट कर देंगे यहां पे क्या है ए बी का स्क्वेयर माइनस के ए सी का स्क्वेयर एट और सी डी सी डी की वैल्यू हमने निकाली है बी सी अपॉन फोर का स्क्वेयर। अब यहां पे क्या है ए बी का स्क्वेयर माइनस के ए सी का स्क्वेयर एट। अब ये क्या बन जाएगा बी सी का स्क्वेयर भी है साथ में ये और फोर का स्क्वेयर कितना बन जाएगा सिक्सटीन एट वन जा एट एट टू दिक्सटीन। तो यहां पे मेरे पास क्या आया ए बी का स्क्वेयर माइनस के ए सी का स्क्वेयर तो ऊपर बचा है क्या बी सी का स्क्वेयर और नीचे है टू टू डिवाइड में है उस साइड जाके दोनों के साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी टू ए बी का स्क्वेयर माइनस के टू ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू में बी सी का स्क्वेयर। अब हमें ए सी का स्क्वेयर प्लस का चाहिए इस साइड है ना तो ये माइनस का है इस साइड आके प्लस का हो जाएगा हो गया प्लस के बी सी का स्क्वेयर। यही चीज हमें प्रूव करनी थी तो यहां पे हुआ हैंस प्रूव। दोस्तों यहां खत्म हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 14।